नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय टकरानी ग्राम पंचायत में खड़ा हूँ और इस समय जो मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक दिशा निर्देश बोर्ड है गंग भेव बावड़ी गौतम आश्रम, जो यहाँ का एक पचवादून का धार्मिक क्षेत्र है। आज हम वहीं की आपको यात्रा कराने के लिए निकले हैं अपने ब्लॉग में, तो आप हमारे साथ बने रहे। श्री राम हर गंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय गंगे बावड़ी में मौजूद हूँ, जो कि पचवादून की छोटी गंगा भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ युवक जो हैं बच्चे यहाँ पर बावड़ी में नहा रहे हैं। मैं अपना कैमरामैन साथी रुद्र बहादुर थापा जी को कहना चाहूँगा, ज़रा वो उस साइड कैमरा घुमाएँ। ज़रा आप देख रहे हैं छोटे बच्चे किस तरीके से यहाँ पर तैर रहे हैं और डुबकियाँ लगा रहे हैं। डुबकी का ये भी खास महत्व है, क्योंकि यहाँ पर डुबकी लगाने से जो मन को शांति मिलती है और गंगा के समान ही डुबकी लगाने में जो मान्यता है हिंदू धर्म में कि पाप कम हो जाते हैं, और उनकी जो है मान्यता है ये भी कि हरिद्वार ना जाकर जो लोग यहाँ नहाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं विभिन्न पर्वों पर, वो यहाँ पर मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं मंदिर है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं इधर गौतम आश्रम की जो है सामने यहाँ पर एक प्रतिमा भी है यहाँ पर गौतम ऋषि की। और इस बावड़ी में नहाने के लिए यहाँ की समिति द्वारा कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि इसमें छलांग नहीं लगा सकते हैं तैरना, और साबुन का प्रयोग भी यहाँ पर वर्जित है। तो आप इस यहाँ पर देवभूमि के देव्य प्रकट इस तालाब में आप यहाँ पर आकर जो है सुकून महसूस कर सकते हैं और धार्मिक लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।